हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बड़ों को जो है मेरा नमस्कार, और छोटों को खूब सारा मेरा आशीर्वाद और प्यार। तो कहते हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने कर दी है अपने ब्लॉग की शुरुआत, और आप मैं हूँ अभी ऑटो में बैठी हुई, देख सकते हैं, क्योंकि आज सोम को लगने वाला था वैक्सीन टीका, तो इस वजह से हम गए थे उसके स्कूल में। तो घर से जो है मतलब पैदल आना पड़ता, इसीलिए हम ऑटो से आ गए, क्योंकि तीन चार और भी थे तो ऑटो से आ गए हैं। तो हम तो आ गए हैं लगा के, और बाकी अभी नहीं आए। तो सुन, कैसा लगा? अच्छा। दर्द हुई? हाँ, थोड़ी सी। थोड़ी सी हुई? कहाँ कहाँ पे लगा टीका? ये जो यहाँ पे है ऊपर लगी होगी ना, ये यहाँ पे दबाने में दर्द हो रहा है। हाँ, तो हम कर रहे हैं ऑटो में बैठ के, अभी उनका इंतजार, जब वो लोग आएंगे फिर जाएंगे हम। दोस्तों, मैं आ गई हूँ सोम के स्कूल में उसकी टीका लगा के। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है दिन का 12:30। तो अभी जो है हो रहा है खाना बनाने का टाइम। तो मैं आई हूँ अभी किचन में, तो अब बनाते हैं दाल और चावल। तो वैसे दाल तो अच्छी नहीं लगती रोज़ रोज़, लेकिन बनाए भी क्या, तो देखते हैं क्या बनता है। बच्चे तो दाल चावल ही पसंद करते हैं, तो मैं छिल रही हूँ उसके लिए ये लहसुन की कलियाँ। और लहसुन की कलियाँ ऐसे छिलने से मतलब जल्दी हो जाती है छिलने में, इस तरह से, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये लिया हमने एक कली, जैसे लहसुन की ले ली, अब इसको हम ऐसे यहाँ से ना छिल के, अगर हम इसको बीचों बीच अगर काट दें, अगर हम इसे आप देखते रहें इस तरह से दो हिस्से कर दें ये, और फिर यहाँ से पीछे की साइड से इस तरह से ये एक अलग से निकल गया और दूसरा भी आसानी से निकल गया। तो इस तरह से लहसुन छिलने में जो है काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो हम ऐसे ही छिलते हैं। वैसे अगर नाखूनों से छिलेंगे तो नेल्स के अंदर चले जाता है, जिससे बाद में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से फटाफट हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं अरहर ही अरहर की दाल बनाऊँ ओनली, उसमें और कुछ ना बनाऊँ, उसके साथ देखते हैं क्या बनता है, चटनी या कुछ बना लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने एक मिनट में मैंने इतना लहसुन छिल दिया है, मैं दिखा रही हूँ आपको क्या लहसुन जो है मैंने छिल के रख दिए हैं ये। आप भी ऐसे ही छिल सकते हैं अपने घर में, नया तरीका मैंने आपको बता दिया है लहसुन का। वो चली गई थी स्कूल, वो आ चुकी है अपने स्कूल से, वो आ जाती है 12:30। तो यहाँ सोया है सोम, उसको टीका लगा है आज, और नींद आ गई है। मैं चेक करने के लिए आई हूँ कि कहीं बुखार तो नहीं आया है, तो टीका लगाने से अक्सर बुखार आता है, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आया है, और कहीं शोर से उठ ना जाए, इसीलिए मैं इस कमरे का जो है डोर जो है बंद कर दूँगी, ताकि आराम से सो सके और डिस्टर्ब ना होए इसको। और क्या करते, मैंने डोर बंद। लिपस्टिक कहाँ लगाई है? अब मैं लाती हूँ प्याज छिलने के लिए। प्याज और आलू जो है खुले में रखे हैं हमने सीढ़ी के नीचे, तो दो दाने प्याज काफ़ी हैं। और यहाँ पे मेरे ये टमाटर आए कहीं से, मतलब तो पहले जिस दिन लाए थे मेरे हस्बैंड कच्चे कच्चे थे, तो कच्चे होने की वजह से हमने रखे थे बाहर ही, मतलब टोकरी में। अब जो है पक गए हैं हल्के हल्के, अभी भी मतलब उतने रेड तो नहीं हुए हैं, क्योंकि रेड डार्क रेड कलर के जो टमाटो होते हैं वो ज़्यादा मतलब अच्छे रहते हैं, उनसे कलर भी थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो ये रख लें मैंने प्याज और टमाटर। अब बता क्या है, पीनट बटर।
ये है पीनट बट, मतलब पीनट बटर ऑनलाइन मंगाया था ना हमने, ऑनलाइन मंगाया था मतलब फिटनेस के लिए, तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, बादाम का जी। तो मैंने कहा था चेरी को, मेरे को टेस्ट नहीं कराया, तो अभी लाई है वो टेस्ट कराने के लिए। पूरा खा लिया तेरे को भी चाहिए, जल्दी खाता, मैं मजाक नहीं कर रही अभी। मूंगफली जैसा तो अब काट लेती हूँ मैं प्याज, और सोम को जो है नींद आ चुकी है, थोड़ी देर पहले भूख से चिल्ला रहा था लेकिन उस टाइम मैंने मना कर दिया, अब मुझे उसके उठने तक जो है बिल्कुल रेडी रखना है खाना। प्याज का छिकल ना दोस्तों काफ़ी पतला है, ये छिलने में काफ़ी दिक्कत करता है, अगर मोटा छिकल हुआ तो जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों मैंने काट दिए प्याज और मतलब टमाटर और प्याज दोनों काट दिए हैं, अब चढ़ाऊंगी मैं दाल। तो दाल जो है दोस्तों मैं अरहर की ही बनाऊंगी, क्योंकि सोम और उसको जो है मोस्टली यही दाल पसंद है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये दाल, लेकिन क्या करें, तो अरहर की दाल मैं बनाऊंगी आज। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ डिब्बे से, तो दोस्तों यहाँ पे दीदी निकाल रही हैं चावल, क्योंकि आज चावल खाने वाले हम कम ही हैं, बच्चे और मैं, ईजा और दीदी रोटी खाएंगे कह रहे हैं, क्योंकि दीदी को आज बुखार आया है तो वो मना कर रही हैं चावल खाने के लिए, तो इसलिए वो हमारे लिए जितना निकाल रही हैं। दाल और चावल चढ़ा दिए हैं, अब मैं थोड़ा सा सोम को चेक करके आती हूँ, क्योंकि वो सोया है और उसे आज टीका लगा हुआ है, यानी वैक्सीन इंजेक्शन लगा हुआ है, तो डर भी लगती है कि कहीं बुखार उखार ना आया हो, इसलिए बीच बीच में मैं देख रही हूँ उसको, चेक कर रही हूँ। तो जो टीका लगा था वो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का लगा हुआ था, मतलब जो मतलब एक ऐसा बुखार जो मतलब मच्छर उससे फैलता है, मतलब पानी में अगर हम पानी को कहीं पे इकट्ठा कर देते हैं और कई दिनों तक वो पानी वैसा ही रह जाता है, तो अपने आप ही उसमें मच्छर जो है पैदा हो जाते हैं और उनके काटने से जो है ये बीमारी होती है, तो इसीलिए वही टीका आज लगा हुआ है, एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बच्चे हैं छोटे हैं, तो आप बने रहे वीडियो में और देखते रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं दोबारा से आ गई अपने कमरे में सोम को चेक करने के लिए, क्योंकि चेक करना जो है बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम देख सकते हैं वो टीवी देखते देखते सो गया था, तो उसने रिमोट वहीं पे रखा हुआ है, और तो एक बार चेक कर लेती हूँ उसके चिक्स या फिर मतलब बच्चों के जो है हथेलियों से मेरे को मतलब मैं उसकी हथेली से पता चल जाता है मेरे को कि उसको फीवर है या नहीं है, तो मैं हमेशा जब भी चेक करती हूँ उसका बुखार, तो सबसे पहले तो मैं अपना गाल जो है अपने चीक जो है उसके चीक्स में लगा लेती हूँ या फिर उसके हथेलियों के अपने मुँह में लगा लेती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाता है कि उसको बुखार आया है या नहीं आया है, तो उसको बुखार नहीं आया है और वो मतलब कहीं नीचे ना गिरे बेड से, इसलिए मैं दोनों ओर से या चारों ओर से तकिया लगा लेती हूँ अभी भी, जबकि वो बड़ा हो गया है लेकिन मन नहीं मानता है, क्योंकि करवट लेते टाइम गिर भी सकता है। तो दोस्तों यहाँ दीदी को खांसी और गले में दर्द और हल्का सा बुखार जो है आया है, इसीलिए वो थोड़ा आराम कर रही हैं अभी, लेटी हुई हैं अपने रूम पे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ खाना खा के और अपना सारा काम निपटा के, मतलब बर्तन धो के और किचन साफ करके अपने रूम में आ गई हूँ, और सोम भी जो है उठ गया है, उससे भी मैंने खाना खिला दिया है, वो गया है अभी दीदी वाले कमरे में, क्योंकि सारे बच्चे उनके वहीं हैं और अपने दीदी लोगों के साथ वहाँ पे बैठा है टीवी देखने के लिए, और तो मैं आई हूँ अपने वाले रूम पे। तो अभी जो टाइम हो रहा है थोड़ा सा रेस्ट का हो रहा है, तो क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही चले जाता है काम 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 करके, थोड़ा सा अभी मतलब 3 बज गए लेकिन अभी आ रही मैं उस टाइम से किचन में, मतलब अपने रूम में किचन से। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलूंगी फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए
बाय बाय और टेक केयर ऑल ऑफ यू।